दिस इज जेटी एरिया जहाँ पे बोट्स आती हैं और आप फिर उन बोट्स में बैठकर यहाँ से एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाते हो. यहाँ पे ये जो बोट्स खड़ी हुई हैं, दीज आर द बोट्स ऑफ फिशरमैन. ये फिशरमैन इन बोट्स के अंदर ही रहते हैं हमेशा. मोस्ट ऑफ द फिशरमैन आर बांग्लादेशी और ये बांग्लादेशी यहाँ पर इलीगल हैं. सो दे कैन नॉट कम इन द आइलैंड और दे कैन नॉट गो बैक टू बांग्लादेश. तो ये यहाँ ही रहते हैं. और इसके अलावा आप देख सकते हैं इस वक्त बारिश हो रही है और जब बारिश होती है तो पानी आता है और जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है. दिस इज़ एक्चुअली इंडियन ओशन जहाँ मालदीव्स है. इट्स स्टिल क्लाउडी, इट्स गोना रेन अ लॉट टुडे, सो लेट्स होप के सुनामी ना आए बस. और ये पानी जो है ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा गहरा है और इस वक्त काफ़ी तेज़ बारिश होना शुरू हो गई है. ये आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ हवा भी है, काफ़ी तेज़ बारिश भी है. Sort of terrifying, है ना? फिर बहुत बहुत मजा आ रहा है मुझे. I'll show you. ये देखें इतनी तेज बारिश के ऐसे लग रहे हैं बादल नीचे तक आए हैं. इधर से ही गोडज़िला निकलेगा. मैं थोड़ा सा यहाँ पर फंस चुका हूँ क्योंकि मैं वापस जा नहीं सकता. मेरा जो अम्ब्रेला है वो टूटा हुआ है. मेरे पीछे बहुत बारिश हो रही है और मेरे इस आगे भी बहुत बारिश हो रही है और मैं सारा भीग गया हूँ. तो मैं बस इंतजार कर रहा हूँ बारिश खत्म होने का कि बारिश खत्म हो और मैं वापस जाऊँ. वैसे तो मैं सारा भीग चुका हूँ तो आई वुडंट माइंड कि मैं ऐसे वापस चले जाऊँ. मगर मुझे जगह अच्छी लग रही है अनलेस बस कोई सुनामी ना आ जाए. बाकी इट्स वेरी नाइस. तेज हवा की वजह से मेरा अम्ब्रेला भी टूट चुका है. तेज हवा चल रही होती है यहाँ पे. ये देख सकते हैं बिल्कुल इट्स ऑलमोस्ट डेड लाइक. अगर बारिश अभी भी चल रही है, चली जा रही है. ये देखिए इसके अंदर कोई है, कुत्ता है, मुझे नजर आया था. और अब मैं ऐसे ही बारिश में वापस अपने कमरे में जाने लगा हूँ और उम्मीद करता हूँ मैं सही सलामत पहुँचूंगा, जो कि पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा वजन इतना भी कम नहीं है कि मैं उड़ जाऊँ. मगर मैं सारा भीग चुका हूँ और मैं नहीं चाहता मैं बीमार हूँ. अगर मैं बीमार हो गया तो मेरे परिंदों का कौन ख्याल रखेगा यार, कौन ख्याल रखेगा.